विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्न आसु ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं गर्वा वहैः तेजस्विनावधीतमस्तु विषा ओम ओ वासुदेवाय हरे परमात्म प्रणत क्लेशनाशा गोविंदा नमो नम ओं श्री राज नम राजविद्यागुह्य नामक नौवे अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे अध्याय पूता की तरफ है और इसमें भगवान ने कहा 29, तीस और इकतीस इन तीन श्लोकों में कि प्रिय ये भजंती तुम भक्त्या मई तेतेशाप्यम चाप्य हम कि मैं सब भूतों में समान भाव से विद्यमान रहता हूं ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है कि मनुष्य में ज्यादा विद्यमान रहता हूँ पशु पक्षियों में कम विद्यमान रहता हूं या मनुष्य में भी उत्तर उत्तर जो ऊपर नीचे हैं सात्विक राशिक तामसिक मनुष्यों के भेद से उनमें मैं कम ज्यादा भाव से रहता हूं ऐसा नहीं है सब में सम भाव से एक समान रूप से विद्यमान रहता हूं और एक समान विद्यमान रहने से क्योंकि सदा उनके साथ रहता हूं तो ऐसा भी नहीं होता कि मेरे को उनसे राग हो जाता है ना मेरे को उनसे प्रीति है और न ही मेरे मेरे को उनसे द्वेष है तो रागत द्वेष से मैं रहित हूँ निरपेक्ष हूँ उदासीन हूं लेकिन फिर आगे भगवान कहेंगे यदि भगवान उदासीन हो जाएंगे तो फिर ये दुखों से दूर कौन करेगा भगवान ही यदि उपेक्षा कर देंगे ध्यान नहीं देंगे उन कर्मों का नाश नहीं करेंगे तो फिर तो ये चलता ही रहेगा मामला जन्म मरण का तब भगवान कहे कि नहीं मैं उदासीन होते हुए भी उन भक्तों के लिए ये तो माम भक्त्या जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं मई तेते शुचा पे हम वो मुझमें निवास करते हैं और मैं उनमें निवास करता हूँ यानी कि वही उदासीन अव्यक्त मेरा जो निर्गुण स्वरूप है उसके हृदय में व्यक्त हो जाता है और वह भक्त नित्य मेरे को अंग संग अनुभव करता है कि मैं सदैव उसके साथ रहता हूं इस बात वो अनुभव करता है अभी जब वो अनुभूति में नहीं रहता जो भक्त नहीं होते भगवान के वो हृदय में विद्यमान परमात्मा जो है उनके अनुभव में नहीं आते तो लगते हैं कि मेरे उनको ऐसा प्रतीत होता है कि वो मेरे अंदर नहीं है वो अपने आप को अकेला अनुभव करता है और भयभीत होता है लेकिन जो भक्त होता है वो अकेले में भी भगवान को सदैव अपने साथ देखता है अपने हृदय में निवास देखता है इसलिए उसको भय नहीं होता वो भयभीत नहीं होता वो भगवान को नित्य अपने अंग संग अनुभव करता है तो जो भक्त होता है वही अनुभव कर सकता है और भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित होते हैं भले ही वो उदासीन क्यों ना हो लेकिन प्रेम के कारण वो प्रकाशित हो जाते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना तो प्रेम के वशीभूत होकर के भक्त के हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं इसलिए भगवान ने कहा कि ते मई वे मेरे में रहते हैं और तेसुअम उनमें मैं रहता हूं तो दोनों एक दूसरे से सदैव साथ रहते हैं और आगे कहा कि अपिचेत सुदुराचारो भजते मामन भक्त साधु रेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थित तो ऊपर जो श्लोक में एक बात कही थी उस पर भी थोड़ा ध्यान देने की बात है कि भगवान ने कहा कि न द्वेश न प्रिय न मेरे को द्वेष है और न ही प्रिय है आगे भगवान कहेंगे कि कौन मुझे प्रिय है यहाँ तो सामान्य बातें है कि जो भगवान का भक्त तो नहीं होता है उनके लिए तो सबके लिए भगवान न द्वेष करते हैं न राग करते हैं लेकिन जो भक्त होते हैं किस प्रकार के भक्त भगवान को प्रिय होते हैं ये आगे बारहवें अध्याय में भक्ति योग में भगवान स्वयं बताएंगे कि अमुक अमुक लक्षण वाला भक्त मेरे को प्रिय होता है वो आगे बताएंगे तो यहाँ पर सामान्य जो भक्त नहीं है जो अभक्त है भगवान के उनके लिए कहा कि मैं न उनसे राग करता हूं न द्वेष करता न उनसे मैं प्रीति करता हूं और न ही द्वेष करता हूं लेकिन जो भक्त होते हैं उनसे भगवान प्रीति करते हैं तो ऊपर वाले जो न में प्रिय वाली बात है वो अभक्तों के लिए है जो तो भक्त नहीं है उनसे भी भगवान का कोई न राग है ना द्वेश रूप में मनुष्य का कोई भक्त ना हो मनुष्य का कोई भक्त हो और बाद में भक्त ना हो या अथवा उसका भक्त ना हो मनुष्य का तो क्या होता है शत्रु होता है यदि कोई उसकी प्रशंसा ना करे तो निंदा ही होगा लेकिन भगवान का कोई भजन न भी करे तो भी भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं और नहीं उनको राग होता है न द्वेष होता है लेकिन भक्त के लिए विशेषकर भगवान प्रीति करते हैं और आगे कहेंगे कि कौन कौन से भक्त मुझको प्रिय है किन किन गुण धर्मों से युक्त भक्त मेरे को प्रिय है वो आगे बताएंगे तो नमे नवे न प्रिय ये समान अभक्त जनों के लिए बात है समान व्यक्तियों के लिए है भक्तों के लिए तो भगवान प्रीति भक्तों से करते ही हैं ये आगे कहेंगे और यदि प्रीति नहीं करते तो आगे जो वो श्लोक कह रहे हैं अपीछियत चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग की सुदुराचार बढ़िया से दुराचारी यानी कि भयंकर पापकर्मी भयंकर दुराचारी व्यक्ति भी यदि मेरे को अनन्य भाव से भजन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ करके यदि मेरे को अनन्य भाव से भजन करता है तो भगवान कहते हैं साधु रेव सम्य उसे साधु ही समझना चाहिए क्यों क्योंकि सम्यक व्यवस्थित हो ही साथ। अब उसकी बुद्धि जो है सम्यक रूप से ठीक प्रकार से व्यवस्थित हो गई है यानी अब त्याग चुका है पूर्व जितने पाप कर्म हैं उन पूर्व पाप कर्मों का परित्याग करके और यदि भगवान का भजन करने लगे भगवान की भक्ति करने लगे भगवान की, करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे भगवान की सेवा करने लगे और भगवान को ही सब भूतों के हृदय में मान करके भूतों की सेवा ही भगवान की सेवा है नर में ही नारायण है जीव में ही जीवेश्वर है तो इस प्रकार से जो है मान करके यदि सेवा कर रहा है मानो भगवान की पूजा कर रहा है भक्ति कर रहा है तो इस प्रकार भक्ति करने वाला चाहे पूर्व में दुराचारी ही क्यों न हो भयंकर पापाचरण में लिप्त क्यों न हो वह भी उसको भी साधु ही समझना चाहिए भगवान कह रहे हैं कि उसको भी साधु ही समझना चाहिए नहीं तो प्राय क्या होता है कि यदि ऐसा कोई व्यक्ति जो पूर्व में पापाचारी हो और फिर धर्म का काम करने लगता है या सज्जन बन जाता है साधु बन जाता है तो उसको मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि सौ चूहे खा के और बिल्ली चली हज पर वाली कहावत तो ऐसा नहीं करें भगवान की। यदि ठीक प्रकार से परित्याग कर दिया वास्तविक रूप ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए त्याग कर दिया फिर उन्हीं पापा चरणों में लिप्त हो गया ऐसा नहीं उसको समझ में आ गया कि नहीं ये हमसे गलत हुआ है लेकिन अब नहीं होगा इस प्रकार निश्चय पूर्वक संकल्प पूर्वक इस व्रत का व्रत को लेकर के और फिर अपने पूर्व दुराचरण का परित्याग करता है और फिर भगवान के मार्ग पर आता है भगवान की भक्ति पर आता है भगवान का भजन करता है सात्विक कर्मों में रत होता है तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही मानना चाहिए उसके पूर्व कर्मों के आधार पर अब उसका लेखा जोखा नहीं करना चाहिए क्योंकि अब वो मेरा हो चुका है इसलिए हम सबके लिए हिदायत है भगवान की कि उसे साधु ही मानना चाहिए उसे पूर्व के साथ जोड़ करके नहीं देखना चाहिए क्योंकि यदि ऐसा ना होता तो हम भी तो वैसे ही हैं हम चलिए अपने वर्तमान को देखते हैं तो वर्तमान में भले हमने कोई पाप नहीं किया लेकिन वर्तमान में भी पाप हो ही जाते हैं जाने अनजाने में पाप कर्म हो ही जाते हैं लेकिन फिर भी कोई दावे के साथ कहे कि नहीं मैंने कोई जाने अनजाने में पाप नहीं किया तो भी ये शरीर ही बताता है कि अपने पूर्व पाप किए हैं पूर्व में कितने पाप हुए हैं उसका लेखा जो का है कुछ सब भगवान के पास कितने पाप हुए हैं हमसे तो हम भी सब जीव ही पापी हैं पाप हुआ है पाप का ही परिणाम जो है शरीर है तो सब एक दृष्टि से देखें एक दृष्टि से देखें यदि तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं पाप सबसे कम ज्यादा यही है ना, किसी से कम पाप हुआ है किसी से ज्यादा पाप हुआ है लेकिन पाप तो सबसे बना हुआ है तभी ये शरीर मिला है तो इसलिए भयंकर पापी भी है उनसे क्यों द्वेश करना वो भी यदि उनका परित्याग करके और भगवान के भक्ति के मार्ग पर आते हैं श्रेय मार्ग पर आते हैं साधुता के मार्ग पर आते हैं सज्जनता के मार्ग पर आते हैं तो भगवान कहते हैं कि उसको साधु ही समझना चाहिए उसको पूर्व दुराचरों से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए क्योंकि अब उसकी मति उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है व्यवस्थित हो गई है और वो कैसे हो जाता है तो कहते हैं कि क्षिप्रम भवती धर्मात्मा आत्मा शांति कौनते है प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति भगवान कह रहे हैं कि क्षिप्रम होती धर्मात्मा शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता तत् क्षण जिस क्षण संकल्प लिया पाप का परित्याग करके अब मैं नहीं करूंगा ये संकल्प ही उसी समय उसको धर्मात्मा बना देता है तो जिस समय कोई व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं आज से मन ही मन संकल्पता अमुक अमुक कर्मों का परित्याग करता हूं आज से मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए राष्ट्र की सेवा के लिए भगवान के मार्ग पर चलने के लिए श्रेय मार्ग पर चलने के लिए जिस क्षण संकल्प लेता है तो भगवान कहते हैं कि उसी समय वो धर्मात्मा हो जाता है क्योंकि संकल्प ही हमें धर्मात्मा बनाता है हमारे अंदर क्या संकल्प है गलत संकल्प हमें दुराचरण की तरफ ले जाता है और सच्चे संकल्प अच्छे संकल्प जो हैं हमें सदाचार की ओर ले जाता है तो यह हमारा संकल्प ही हमें साधु और असाधु का निर्धारण कराता है तो जिस समय संकल्प लिया किसी ने किसी दुराचारी व्यक्ति ने कि आज से अब मैं अमुक कर्मों का इन कर्मों का त्याग करता हूं पूर्ण रूपेण त्याग करता हूं सदा सर्वदा के लिए त्याग करता हूं तो उसी क्षण समझना चाहिए कि वह धर्मात्मा हो गया क्षिप्रम भवती धर्मात्मा और फिर किस फल को प्राप्त करता है तो भगवान कहते हैं शश्वत शांति में निगछति शाश्वत शांति मोक्ष को प्राप्त होता है अंततः वह शाश्वत शांति मोक्ष को प्राप्त होता है इसलिए भगवान बड़े दृढ़ता के साथ और पूरे विश्वास भी जता रहे हैं कि देखो ये निश्चय कर लो अर्जुन कि प्रतिजानी ही निश्चय रूप से अपने मन में बैठा लो निश्चित रूप से कि नमे भक्त प्रणशति मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता नाश का तात्पर्य पर आत्मा का तो नाश ऐसे भी नहीं होता वो तो नईनम छिंदनती शस्त्राणी नईनम दहती पापक ही तो कह दिया पूर्व भगवान ने तो यहाँ पर नाश कैसे होगा आत्मा का तो नाश होता ही नहीं है तो फिर नाश किस बात के लिए कहा भगवान ने न मैं भक्त प्रणश्यति मेरे भक्त का नाश नहीं होता नाश का मतलब मेरा भक्त कभी अधोगति नहीं होता वह नीच योनियों में नहीं जाता वह दुखमय योनियों में नहीं जाता वह पापमय योनियों में नहीं जाता उसका उत्कर्ष ही होता है और उत्कर्ष होते होते कहां तक होता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो ऐसे बहुत इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं कि भयंकर पापी से पापी व्यक्ति भी धर्मात्मा हुए हैं और भगवान के भक्त हुए हैं इसलिए क्षिप्रम क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी जीव में उतना पाप करने का सामर्थ्य नहीं है जितने भगवान में पाप को नाश करने का सामर्थ्य जीव में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो कितना पाप करते कितना पाप करेगा उतना पाप कर ही नहीं सकता जितने भगवान पाप को खत्म करने का भगवान में जितना समर्थ उतना जीव में सामर्थ्य नहीं है उतना पाप कर सके तो सारे पापों का नष्ट करने का स्वभाव है भगवान का इसीलिए वो जो है पतित पावन कहे जाते हैं पतितों को भी पावन करने वाले होते हैं वह दुखों को दूर करने वाले होते हैं तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं बड़ा अपनी करुणा भी दिखा रहे हैं और विश्वास जता रहे हैं कि देखो मेरा शरणागत हो रहे हो एक सामान्य भी होता है कि ये लोक में भी देखा जाता है यदि कोई व्यक्ति किसी पर पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तो वह सामान्य मनुष्य ही उसको अनिष्ट नहीं चाहता तो भगवान की तो बात ही छोड़ दीजिए सामान्य एक व्यक्ति जो है किसी पर अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया तो वो व्यक्ति अब उसको अहित करने से डरता है भाई ये जो सब कुछ त्याग चुका है मेरे पर आंख मुद कर जिसे कहते हैं कि भरोसा किया है जिसने आंख कर भरोसा जिसने किया विश्वास किया है वह सामान्य मनुष्य भी उसके विश्वास की कदर करता है उसके विश्वास को तोड़ता नहीं विश्वासघात नहीं करता और यदि विश्वासघात करता है तो भयंकर पाप माना जाता है विश्वासघात से बड़ा पाप और कोई नहीं विश्वासघात का फल कहते हैं कि पाप तुरंत इसी जन्म में फल दे देता है बाकी पाप कर्म कहते हैं कि विलंब से भी फल देते हैं लेकिन कुछ पाप कर्म ऐसे हैं और कुछ पुण्य कर्म भी ऐसे होते हैं जो तुरंत का मतलब इसी जन्म में फल देते हैं उसमें विवेचन करते हुए महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि कोई रोगी हो कोई रोगी व्यक्ति हो एक तो रोग से पीड़ित है और उसको और कोई दुख दे रहा है एक तो रोग से पीड़ित है असमर्थ है और उसे और कोई पीड़ित कर रहा है किसी भी प्रकार से दुख दे रहा है ये भयंकर पाप है और ये पाप इसी जन्म में उसको फल दे देगा कोई वृद्ध है और उसमें जो है रोगी है और उसको कोई दुख दे रहा है कष्ट दे रहा है बार बार कष्ट दे रहा है तो कहते हैं कि वह पाप कर्म इसी जन्म में फल दे देगा अथवा कोई विश्वास पात्र है सब कुछ विश्वास छोड़ के आंख मुद करके आपके शरण में आया है आप पर सब कुछ ने कर दिया है और उसको यदि किसी उसका विश्वासघात किसी ने कर दिया उसके समर्पण का दुरुपयोग कर दिया तो कहते हैं कि यह भी जो है पाप कर्म इसी जन्म में फल दे देगा साधुओं को किसी ने कष्ट दे दिया तपस्वियों को किसी ने कष्ट दे दिया तो कहते हैं कि यह भी इसी जन्म में फल दे देता है इसलिए कह रहे हैं कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं उसे बचना चाहिए तत्काल फल देने वाले होते हैं इसलिए नहुष एक कथा आती है पुराणों में कि नहुष जो है अजगर बन गया और ऋषियों को जो है लात मार दिया और ऋषि तपस्वी एक तो उनको कहार बना दिया पालकी से जा रहा था इंद्राणी से विवाह करने और ऋषियों को कहार बना दिया और ऋषि बेचारे धीरे धीरे जा रहे हैं दुर्बल ऋषि कहां से पालकी ढो पाए और उसको देर हो रहा था तो लात मार दिया ऋषि तुरंत कुपित हो गए और बोले कि जा अजगर बन जा उसी समय अजगर बन गया वो तत्क्षण तो तत्व कुछ पाप कर्म ऐसे होते हैं कि वो तुरंत फल दे देते हैं इसलिए ऐसे पाप कर्मों से बचना चाहिए तो विश्वासघात आदि जो पाप हैं ये भयंकर पाप कर्म है इसी जन्म में फल देते हैं तो प्राय तो सामान्य मनुष्य भी विश्वासघात नहीं करता है लेकिन ऐसे ही कोई भयंकर पापी हो तो उसकी बात ही छोड़ दीजिए लेकिन प्राय मनुष्य जो है दया दृष्टि तो रखता ही है कि अपने जो उस पर सब कुछ उसके नजदीकी हैं अपने अपने हैं या कोई दूसरे भी है उसको अपना मान चुके हैं तो भी वो उसको दुख नहीं देता उसके विश्वास को नहीं तोड़ता है तो भगवान तो अत्यंत विश्वास पाता है सामान्य मनुष्य जब नहीं कर सकता तो भगवान कैसे विश्वास तोड़ेंगे क्योंकि तो जो सब कुछ समर्पित कर दिया भगवान के लिए पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया सब कुछ त्याग किया अपने सुखों का त्याग किया राग का त्याग किया द्वेष का त्याग किया अहंकार का त्याग किया इन सब का त्याग करके किसके लिए त्याग किया है भगवान के लिए त्याग किया है क्योंकि इनमें भी तो सुख है राग में सुख है कि नहीं किसी से प्रीति करते हैं हम आसक्त होते हैं तो उस प्रीति में आसक्ति में सुख है क्रोध में भी तो एक सुख होता है क्रोधित करके किसी को आंख दिखा दे देर गया मान लीजिए आनंद आता है कि डरा दिया हमने इसको द्वेश पूर्वक किसी का कुछ अनिष्ट करते तो आनंद आता है उसमें लोग आनंदित होते हैं तो ये राग द्वेष क्रोध आदि भी सुख देने वाले होते हैं सामान्य दृष्टिकोण से देखे तो उन सुखों का परित्याग किया है जिस भक्त ने किसके लिए किया है तो भगवान देखते हैं कि हमारे लिए तो किया है हमारे लिए सहन किया है सबके साथ अपने क्रोध को सहन किया है हर काम को सहन किया है लोभ को सहन किया है सब कुछ सहन किया है तपा है मेरे लिए तो भगवान कहते हैं कि मैं उसका अनिष्ट नहीं करता इसलिए मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता न मैं भक्त प्रणश्यति और आगे भगवान कह रहे हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये पिछली स्वह पाप यो नियो तथा शुद्रास्ते यी पराम गति कह रहे भगवान की क्योंकि अर्जुन वो कोई भी क्यों हो इसमें कोई भेदभाव नहीं है मेरे तरफ से कोई भेदभाव नहीं है चाहे वो स्त्री हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो चाहे किसी भी पाप योनि में चांडाल आदि पाप योनि में ही क्यों नहीं गया हो दुखमय अत्यंत दुखमय योनि पापमय योनि में ही क्यों नहीं गया हो वह भी यदि अपने पापाचरणों को छोड़ करके अपने पाप कर्मों को छोड़ करके यदि मेरे शरणागत होता है और अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो भगवान कहते हैं वे भी को प्राप्त होते हैं इसलिए इसमें कोई भेद नहीं है ना जाति का भेद है न लिंग का भेद है चाहे स्त्री है चाहे शुद्र है चाहे वैश्य है चाहे ब्राह्मण ही क्यों न हो आगे भगवान कह रहे हैं किम पुनर् ब्राह्मण भक्ता अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व करें कि स्त्री वैश्य शूद्र पाप योनि में ही क्यों ना वो भी प्राप्त करते हैं तो ब्राह्मणत्व को कर्म करने वाला राजर्षि हो या ब्राह्मण हो ब्राह्मणत्व कर्म करने वाला हो क्योंकि ब्राह्मणत्व सबसे श्रेष्ठ कर्म माना जाता है अन्य कर्मों की अपेक्षा ब्राह्मण को इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है कि ब्राह्मणत्व क्या है ब्राह्मणत्व अहिंसा की पूर्ण प्रतिष्ठा है अहिंसा सत्य इत्यादि जो सद्भाव हैं उन सद्भावों की पूर्ण प्रतिष्ठा ही ब्राह्मणत्व है और उस ब्राह्मणत्व से स्थित जो ब्राह्मण है अहिंसक है उनका क्या कहना बाकी में तो चलो हिंसा हो सकती है लेकिन ब्राह्मणत्व तो सबसे ऊंचा धर्म है तो उन ब्राह्मणत्व से युक्त तो जो ब्राह्मण है और पुनः किम पुण्या ब्राह्मणा तथा राजस्व भक्ता फिर ये ब्राह्मण भक्त हो और राजर्षी हो राजा होते हुए जो ऋषि हो उसे राजर्षी कहते हैं राजा भी है और साथ साथ ऋषि भी हैं यानी कि ऋषि धर्म को कर्मयोग की प्रतिष्ठा जिनमें है राग द्वेष रहित होकर के सब ब्रह्म भाव से राज व्यवहार करते हैं सबको ब्रह्म भाव में देख करके सबको भगवान मान करके ही प्रजापालन आदि कर्म करते हैं और राजर्षि होते हैं राजा होते हुए जो ऋषि हैं वह राजर्षी हैं, तो कह रहे हैं कि ऐसे राजर्षी और ब्राह्मण हो तो और भक्त भी हो देखिए तो कि कितना सुयोग जुड़, जुड़ रहा है ब्राह्मण एक तो ब्राह्मण से युक्त हो और मेरा भक्त हो जाए राजर्षी हो और मेरा भक्त हो जाए तो ऐसा भक्त को और क्या कहना है सोने में सुहागा मेरा भक्त होना ही पर्याप्त है ऊपर कह दिया भगवान ने ऊपर कह दिया कि स्त्री वैश्या तथा श्रद्धा ते पराम गति वो केवल भक्त हो जाए तो उसका कल्याण हो जाता है और यहां पर तो भक्त भी है और उसमें ब्राह्मणत्व भी तो है ऋषित्व भी तो है तो ऐसे को क्या कहना है यानी कि सोने में सुगंध के बराबर है भगवान ऐसा कहना चाह रहे हैं और तुम्हें तो वो दोनों है दोनों हो सकता है राजा तो हो ही राजपुत्र हो और इन भावों से युक्त तो हो जाओ तो राजर्षि हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे लोग पुरुष से ही इन राजघरानों में ऐसे कर्म करते आए हुए हैं जनक आदि का उदाहरण भगवान ने दिया भगवान अपने को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया था पूर्व अध्याय में कि मेरे को देख लो क्या पूर्व में जनक आदि हुए हैं उनका नाम सुने होगे अश्वपति आदि हुए हैं उनका नाम सुने होगे तो तुम राजा हो राजघराने में उत्पन्न हो और इन धर्मों से युक्त हो जाओ इन भावों से बस तुम्हें युक्त होना कर्म तो वही करना है बस दृष्टि बदल देनी है दृष्टि जब बदल दोगे तो फिर राजर्षि हो जाओगे अब मेरा भक्त तो, तो तुम हो ही भक्त हो ही ना प्रणिपात हो ही गए हो अन्यथा मैं ये आ, सबसे गुहेतम विद्या क्यों तू तुम भक्त हो प्रिय हो मेरे इसलिए मैं तुमको दे रहा हूँ तो तुम भक्त तो हो ही और राजा भी हो और मैं एक जो जो भाव बता रहा हूँ उस भाव से युक्त तो हो जाओ तो राजर्षि भी हो जाओगे भक्त भी हो जाओगे सोने में सुगंध है फिर तुम्हारा तो कल्याण ही कल्याण है तो तुम जैसे भक्त राजर्षि भक्तों को कभी उसका अनिष्ट नहीं हो सकता कभी दुख में नहीं जा सकता उसका कभी अहित नहीं हो सकता इसलिए भगवान ने आगे कहा कि ऐसे भक्ता यदि मेरे शरण में भक्त आते हैं तो असुखम अनित्यम इमम लोकम प्राप्य ये जो असुखम असुखम का मतलब इमम लोकम ये लोक कैसा है ये जो मनुष्य लोक जो है या भू लोग है वह असुखम प्राय इसमें सुख नहीं होता अधिकतर दुख ही होता है या हम हमारा लोग होता ये शरीर लो, ही हमारा लोक है क्योंकि शरीर से ही लोग शुरू होता है मनुष्य लोग कहाँ से शुरू होता है भूलोक शरीर से ही तो शुरू होता है शरीर मिला तब लोग शुरू हुआ तो इम लोकम अर्थात इदम शरीरम ऐसा व्यर्थ करते हैं कि इस मनुष्य शरीर को जो कैसा है असुखम और अनित्यम इसमें सुख नहीं है और अनित्य है क्षण भंगुर है सदा नहीं रहता कुछ देर के लिए आते हैं और फिर खत्म हो जाता है नष्ट हो जाता है अव्यक्त आदि भूता नहीं भूतानी अव्यक्त पहले आदि में अव्यक्त रहता है और फिर मध्य में व्यक्त होता है और फिर अंत में अव्यक्त हो जाता है इसलिए भगवान ने पूर्व में कहा कि इसलिए तुम क्या क्यों चिंता करते हो तत्र तो का परिदेवना क्यों चिंता कर रहे हो ये शरीर के लिए जिसकी चिंता करे पहले नहीं था अभी हुआ है फिर मरने के बाद नहीं रहेगा तो आदि में भी अव्यक्त था अंत में भी अव्यक्त हो जाएगा मध्य में थोड़े देर के लिए दिख रहा है और थोड़े देर के लिए उसमें थोड़ा सा सुख दिख रहा है अधिकतर दुख ही दिखता है तो इसलिए भगवान ने कहा असुखम अनित्यम इवम लोकम प्राप्य ये सुख से रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त प्राप्त जो तुमने किया है थोड़े देर के लिए मिला है और इन थोड़े ही देर में तुम्हें वो कर देना है जिसका फल महान है विराट फल है। वह फल क्या है गति वाली, वाली गति होगी यह फल मिलेगा तो इस थोड़े से समय का और थोड़ा सा भजन भाई थोड़े से समय है तो कितना भजन होगा थोड़ा ही तो होगा भाई अधिकतर जन्म तो क्या है थोड़ा सा कुछ जन्म कुछ जन्म के कुछ काल तो जो है बचपन के निकल जाते हैं कुछ काल जवानी के मौज मस्ती में निकल जाती है वृद्धावस्था में ऐसे कुछ हो नहीं पाता तो बचा जो काल है जवानी के बाद कुछ जवानी में या जवानी से लेकर बुढ़ापे तक बचा जो काल है वही तो भजन का काल है प्राय वही में भजन होता है पूर्व जन्म के संस्कार हो तो अलग बात है लेकिन इन्हीं थोड़े समय में भगवान करें कि कर लो भजन और क्या करो भजस्व माम, मेरा भजन करो इन्हीं थोड़े समय, थोड़ा समय है इन्हीं थोड़े समय भजन कर लोगे तो इसी का फल ये प्राप्त हो जाएगा कि तुम जन्म मरण के चक्कर से दूर हो जाओगे शाश्वत शांति में गच्छा शाश्वत शांति को प्राप्त थोड़े से भजन का फल बताया भगवान थोड़े से भजन का फल ऐसा वर्णन आता है शास्त्रों में कि मरते समय भी यदि वृत्ति बदल जाए पूरा जीवन पाप कर्म किया और मरते समय यदि वृत्ति बदल जाए भगवान में वृत्ति हो जाए और ऐसे भगवान में वृत्ति हो जाए कि वो हिले ना भगवान का अत्यक्त तो और कुछ दिमाग में आए नहीं और देह त्याग कर दे तो उतने समय का जो है भगवत भजन कल्याणकारक हो जाता है तो इसलिए परीक्षित आदि को तो सात दिन के लिए कहा खटवांग महर्षि का आते हैं उसमें तो कहते हैं दो घड़ी में हो गए मुक्त दो घड़ी समय था उनके पास उतने में मुक्त हो गया तो बात है कि हमारी मनोवृत्ति कहाँ है जहां मनोवृत्ति होती है हम वही होते हैं शरीर जहां होता है वहां नहीं होते मनोवृत्ति यह निर्धारित करते हैं कि हम कहां हैं मन में जो चलता है हम वस्तु वही होते हैं